वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंबाइंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका न्यूमेरिकल भी आपको करके बताया था। और इस वीडियो में आज मैं आपको आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाते हैं, ये सारा जो है आपको बताऊंगा। और इसका प्रोफार्मा भी आपको बोर्ड पर बताऊंगा कि कौन कौन से एसेट्स और कौन कौन से लायबिलिटीज किस क्रम में कैसे लिखे जाते हैं, वो सारा तरीका आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आर्थिक चिट्ठा क्या होता है। आर्थिक चिट्ठा एक विवरण पत्र है। सबसे पहली बात तो यह है कि आर्थिक चिट्ठा एक अकाउंट नहीं है, खाता नहीं है, इसको विवरण पत्र कहते हैं, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्यों बनाते हैं? जिससे कि हमें यानी व्यापारी को व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लग सके, या उसकी वित्तीय स्थिति के वित्तीय वर्ष के दौरान कैसी रही है इसका पता लग सके। तो अगर देखा जाए तो यह व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का एक दर्पण की भांति होता है, और दर्पण में जो है हमें यह पता लग सकता है कि उसकी एसेट्स या लायबिलिटीज की क्या स्थिति है, ये सारा कुछ हमें अच्छे से पता लग सकता है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जीआर बाटलीवाल के अनुसार एक उन्होंने जो डेफिनेशन दी है डेफिनेशन उसको उन्होंने कहा है स्थिति विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो हम आर्थिक चिट्ठा बना रहे हैं, स्थिति विवरण एक ऐसा विवरण है जो किसी विशेष तिथि को किसी व्यापार की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। विशेष तिथि का मतलब जो हमारा वर्ष है उसकी समाप्ति पर, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, या कुछ लोग जो है कैलेंडर ईयर के हिसाब से रखते हैं तो कैलेंडर ईयर के समाप्ति पर इसको जो है बनाया जाता है। अब आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं या तत्व तो क्या हैं, क्या क्या चीजें इसकी विशेषताएं हैं वो देखें। पहला है कि ये विवरण पत्र है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इसको खाता नहीं कहते हैं, अकाउंट नहीं कहलाता, ये एक विवरण पत्र है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। दूसरी इसकी विशेषता है एक निश्चित तिथि, ये जो है किसी एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, किसी तिथि विशेष पर, और किसी व्यापारिक अवधि के लिए नहीं बनाया जाता है। थर्ड पॉइंट है का एवं से, जिसको हम हिंदी में अगर बनाते हैं तो का और से शब्दों का डेबिट और क्रेडिट में जो यूज करते हैं, जैसे कि टू और बाई, तो उन शब्दों का प्रयोग जो है इसमें नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है, व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के शेषों का उपयोग, इसमें पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस को ही लिखा जाता है। आर्थिक स्थिति का ज्ञान, इससे हमें एक जो महत्वपूर्ण जो लाभ है कि वित्तीय स्थिति जो व्यापार की है, आर्थिक स्थिति, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। संपत्तियों एवं दायित्वों को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका एक सीक्वेंस निर्धारित है और उसी सीक्वेंस में लिखा जाता है, चाहे वो एक तरलता के क्रम में लिखा जाए और चाहे स्थायित्व के क्रम में लिखा जाए, उनका एक हर एक संपत्ति को लिखने का और हर एक दायित्व को लिखने का एक क्रम है, उसी हिसाब से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजनाएं, सभी प्रकार की जो समायोजनाएं हैं यानी जो एडजस्टमेंट हैं, चाहे वे किसी भी तरह की हों, आर्थिक चिट्ठे में अवश्य दिखाया जाता है। और लास्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो दोनों तरफ का योग बराबर होना। आर्थिक चिट्ठे की के सही होने का प्रमाण ही यही है कि उसकी दोनों साइड्स का टोटल मिल जाता है। अगर टोटल दोनों तरफ का नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि हमारे आर्थिक चिट्ठे में बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, कोई गलती है इसमें। तो ये तो बात हुई आर्थिक चिट्ठे की विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट है आर्थिक चिट्ठे के उद्देश्य क्या हैं, या लाभ या महत्व क्या हैं। पहला महत्व है आर्थिक स्थिति का ज्ञान, जो कि अभी विशेषताओं के रूप में भी मैं बता चुका हूं कि आर्थिक चिट्ठे से हमें व्यापार की आर्थिक स्थिति का जो है ज्ञान हो जाता है। दूसरा है पूंजी एवं आहरण का ज्ञान, पूंजी कैपिटल हमारे बिजनेस में कितनी लगी हुई है वो हमें पता चल जाती है। आहरण यानी ड्राइंग्स, बिजनेस से व्यापारी ने अपने निजी व्यय हेतु कितना पैसा निकाला हुआ है आहरण के रूप में, उसका स्थिति का ज्ञान हो जाता है। थर्ड पॉइंट है
संपत्तियों का ज्ञान, संपत्तियां किसी अवधि के अंत में फर्म की संपत्तियों की स्थिति क्या है, कौन सी संपत्ति कितने मूल्य की अब शेष बची है डेप्रिसिएशन के बाद, तो वो भी चीज जो है हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दायित्वों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लायबिलिटीज, किसी तिथि विशेष पर संस्था को, बाहरी व्यक्तियों को या सभी जो भी लेनदार हैं उनको हमें कितना पैसा देना है, कितनी लायबिलिटी बाकी है, ये जानने के लिए भी आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, तो ये भी एक इसका उद्देश्य होता है। और पांचवा है, फिफ्थ पॉइंट है देनदारों एवं लेनदारों का ज्ञान, किसी निश्चित तिथि पर संस्था को कितना पैसा लेना है और कितना पैसा देना है, यानी देनदारों और लेनदारों की क्या स्थिति है वो हमें पता चल जाता है इससे आर्थिक चिट्ठे से। सिक्स पॉइंट है रोकड़ स्थिति का ज्ञान, व्यापारी क्या वित्तीय वर्ष की अवधि के अंत में संस्था की रोकड़ की स्थिति क्या है, यानी उसके पास कैश कितना बचा हुआ है, वो जानने में भी आर्थिक चिट्ठा सहायता करता है, इसका पता भी हमें चिट्ठे से लग जाता है। और इसमें जो आर्थिक स्थिति है, रोकड़ की जो स्थिति है उसको, उसमें नकद हमारे पास कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों की ही स्थिति का पता आर्थिक चिट्ठे से चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूंजी में परिवर्तन का ज्ञान, गत वर्ष की तुलना में पूंजी हमारी कम हुई है या ज्यादा हुई है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, इसका ज्ञान हमें आर्थिक चिट्ठे से मिल जाता है। आठवां पॉइंट है, एट है अंतिम रहती है का ज्ञान, यानी हमारे बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक की क्या स्थिति है वो हमें इससे पता चल जाता है। और क्लोजिंग स्टॉक में तीन तरह का हो सकता है, एक तो कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है, या वर्क इन प्रोग्रेस अर्धनिर्मित माल है उसका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, या एक निर्मित माल यानी फिनिश्ड स्टॉक उसकी क्लोजिंग स्टॉक की क्या स्थिति है वो हमें इससे पता चल जाती है। अन्य लाभ में भी और भी सूचनाएं हमें इससे पता चल जाती है, जैसे अदत्त एवं पूर्वक व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस उनके बारे में पता चल जाता है, उपार्जित एवं अनुपार्जित आय, ये जो एक्रूड और अनएक्रूड इनकम जो है उसके बारे में हमें पता चल जाता है, अदर प्रोविजंस प्रावधान जो भी किए गए हैं उनके बारे में हमें आर्थिक चिट्ठे से पता चल जाता है। तो ये सारे इसके लाभ हैं या महत्व हैं जो अभी मैंने आपको बताए, आर्थिक चिट्ठे से हमें क्या लाभ हैं, क्या उसको उद्देश्य हैं उसको बनाने के, ये पता चल गया। अब संपत्तियों एवं दायित्वों का वर्गीकरण, यानी संपत्तियां हमारी कितनी तरह की होती हैं इसको थोड़ा समझ लिया जाए, और दायित्व कितनी तरह के होते हैं वो समझ लिया जाए। तो संपत्तियों का जो पहला टाइप है वो है स्थायी संपत्तियां यानी फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या है, ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं, ध्यान दीजिए व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं, स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। इन संपत्तियों को हम क्यों खरीदते हैं, इनको दोबारा से बेच के पैसा अर्न करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, हमारा उद्देश्य ये होता है कि इन संपत्तियों को हमने व्यापारिक क्रियाएं जो हमारी चल रही हैं यानी जो प्रोडक्शन की जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं उनको सहयोग प्रदान करने के लिए ये जो संपत्तियां हैं वो खरीदी जाती हैं। और स्थायी संपत्तियां इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, लंबे समय के लिए होती हैं। जैसे कोई मशीनरी अगर खरीदी जाती है तो वो किसी एक या दो वर्ष के लिए नहीं होती है, वो अधिक समय के लिए 10 साल 20 साल ऐसे जो है उसका उपयोग हो सकता है। या कोई हमने लैंड या बिल्डिंग वगैरह जो भी खरीदी है तो उसको कोई एक या दो साल के लिए नहीं खरीदा जाता है, उसको जब तक हमारा बिजनेस रहेगा तब तक के लिए ऐसा मानकर जो है उसको खरीदा जाता है। तो अगर देखा जाए तो स्थायी संपत्तियां जो है हमारी एक लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, इसलिए इनको स्थायी कहते हैं। दूसरा जो टाइप है संपत्तियों का वो चालू संपत्तियां यानी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती हैं ऐसी संपत्तियां जिन्हें व्यवसाय में कार्यशील रूप में प्रयोग किया जाता है और जिन्हें एक वर्ष के अंदर पुनः रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, एक वर्ष के अंदर ध्यान दीजिए विद इन अ ईयर। तो विद इन अ ईयर जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसी संपत्तियां चालू संपत्तियां कहलाती हैं। चालू संपत्तियां में कौन कौन सी हैं, रोकड़ हाथ में और रोकड़ बैंक में यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये आता है। स्टॉक आता है डीआर, बिल्स रिसीवेबल जिसको कहते हैं, प्राप्य पत्र,
और व्यापारिक देनदार यानी बिजनेस जो डेटर्स हैं उनको भी हम करंट एसेट्स में शामिल करते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त संपत्तियां, इनटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियां किनको कहते हैं? ऐसी संपत्तियां जो कि हमारे बिजनेस में सहयोग तो कर रही हैं, लेकिन उनको हम ना तो देख सकते हैं और ना उनको छू सकते हैं। तो ऐसी संपत्तियां जिनका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो, अर्थात जिन्हें ना तो देखा जा सके और ना स्पर्शी किया जा सके, तो ऐसी संपत्तियों को अमूर्त संपत्तियां कहते हैं। जिसमें एक तो कौन कौन सी संपत्तियां होती हैं, इसमें एक तो होता है प्रतिलिप्याधिकार यानी कॉपीराइट, पेटेंट है, गुडविल है आदि। ये जो संपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स अमूर्त संपत्तियां कह सकते हैं। फोर्थ जो टाइप है इसका वो कृत्रिम संपत्तियां यानी फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्तियां यानी बनावटी संपत्तियां जिनको कह सकते हैं। और कृत्रिम संपत्तियों के अंतर्गत ऐसे खर्चों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी एक ही वर्ष में अत्यधिक मात्रा में कर दिया जाता है, किंतु उनका लाभ व्यवसाय को आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहता है। जैसे सपोज कोई विज्ञापन पर हमने कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस कर दिया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए जो है हमने उस पर एक्सपेंस कर दिया, लेकिन उस विज्ञापन का जो हमें फायदा है वो केवल एक ही वर्ष में नहीं मिलता है, वो आने वाले कई वर्षों तक हमें उसका फायदा मिलता रहता है। तो उसको ऐसी संपत्तियां जो होती हैं, ऐसे जो खर्चे होते हैं, उनको हम कृत्रिम संपत्तियां मानते हैं। और इन संपत्तियों को संपूर्ण राशि का, इनकी जो संपूर्ण राशि होती है उसको हम एसेट्स के रूप में दिखाते हैं संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे में, लेकिन इनका जो जितने वर्षों तक हमें इसका यूज करना है उतने वर्ष से डिवाइड करके, भाग करके, और उसका जो एक पार्ट हर एक वर्ष जो है लाभानि खाते में डेबिट करते रहते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसको राइट ऑफ करते रहते हैं उसकी हर एक इंस्टॉलमेंट को। तो इस तरह से जो है इन्हें स्थगित व्यय भी हम कहते हैं। तो ये कृत्रिम संपत्तियों की बात थी। और एक है लास्ट जो इसका टाइप है संपत्तियों का, क्षयशील संपत्तियां यानी वेस्टिंग एसेट्स। ये वे संपत्तियां होती हैं जिनका मूल्य समय बीतने के साथ साथ कम होता जाता है। संपत्ति का जैसे जैसे उपयोग होता है वैसे वैसे इनका मूल्य भी घटता जाता है। जैसे पट्टे की संपत्तियां यानी लीज होल्ड एसेट्स जो होती हैं, और एकाधिकार जो पेटेंट्स वगैरह होते हैं, इनमें शुरुआत में जो है इसका एक्सपेंस कर दिया जाता है, बाद में इसको जैसे जैसे इसका यूज होता जाता है वैसे वैसे इनका जो वैल्यू है वो कम होती जाती है। तो ये संपत्तियों की बात हुई कि संपत्तियां कितनी तरह की होती हैं। अब दायित्वों की ओर आते हैं, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं उनको देखते हैं। इसमें पहला है आंतरिक दायित्व यानी इंटरनल लायबिलिटीज। आंतरिक दायित्वों से आशय उन दायित्वों से है जिनका भुगतान व्यापार स्वामी को करेगा, यानी बिजनेस ओनर को कौन इनका भुगतान करेगा? बिजनेस, बिजनेस पेमेंट करेगा, और पेमेंट को कौन रिसीव करेगा? बिजनेस का जो ओनर है, जो उसका मालिक है। इनमें कौन कौन से आंतरिक दायित्व होते हैं? व्यापार में जो लगी हुई पूंजी है, जो ओनर ने इसमें कैपिटल इन्वेस्ट की है वो आती है। कोष यानी जो जितने भी फंड्स हैं, रिजर्व्स आते हैं इसमें, संचय, प्रतिधारित लाभ यानी रिटेन्ड प्रॉफिट्स जो हैं वो भी आते हैं आदि का योग, इन सारे चीजों का जो टोटल होता है उसको हम आंतरिक दायित्व कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, टोटल जो भी हमारी एसेट्स हैं उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी बाह्य दायित्वों को अगर हम घटा दें तो हमारा ये इंटरनल लायबिलिटीज बचेंगी। नेक्स्ट इसका जो टाइप है बाह्य दायित्व यानी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती हैं? ये वे दायित्व हैं जिनका भुगतान व्यापार के स्वामी के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को किया जाना है, तो ऐसे दायित्वों को हम बाह्य दायित्व कहते हैं। अब बाह्य दायित्व के भी 3 प्रकार होते हैं इसके। उसमें एक तो पहला प्रकार है, पहला टाइप जो है चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं? ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वर्ष के अंदर किया जाना है, तो ऐसे दायित्वों को हम चालू दायित्व कहते हैं। और चालू दायित्व में
ये जो है व्यापार के संचालन में घटते या बढ़ते रहते हैं, कौन कौन से दायित्व तो इसमें आते हैं वो सुनिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी करंट लायबिलिटी है। लेनदार यानी क्रेडिटर्स, देय विपत्र, बिल्स पेबल, वो करंट लायबिलिटी है। अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी करंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट जो लायबिलिटीज का जो टाइप है वो है स्थायी दायित्व यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज, ऐसे दायित्व जिनका भुगतान एक वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाना है, यानी आफ्टर वन ईयर दे हैव टू बी पेड, तो स्थायी दायित्व की श्रेणी में आते हैं ऐसे दायित्व। इनमें कौन कौन से दायित्व होते हैं? पूंजी व दीर्घकालीन ऋण, पूंजी यानी कैपिटल और दीर्घकालीन ऋण यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स जितने होते हैं वो सारे फिक्स लायबिलिटीज कहलाती हैं। तीसरा जो टाइप है इसका लायबिलिटीज का, वो बाह्य दायित्व का, एक्सटर्नल लायबिलिटीज का, वो है संदिग्ध दायित्व यानी कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी यानी संदिग्ध दायित्व ऐसे दायित्व हैं जिनका वर्तमान में भुगतान करना निश्चित नहीं है, यानी इस समय हमें उनका पेमेंट नहीं करना है, किंतु किसी घटना विशेष के घटित होने या इनके भुगतान करने किसी घटना विशेष के घटित होने पर इनके भुगतान करने का दायित्व आ सकता है। जैसे अगर कोई कोर्ट में अगर व्यापारी का कोई व्यापार संबंधी केस अगर चल रहा है तो उस केस के जीतने या हारने पर उस लायबिलिटी का एराइज होना या उसका खत्म होना निर्भर करता है। अगर वो जीत जाता है तो हो सकता है उसको वो लायबिलिटी ना पे करनी पड़े, और अगर जो है वो हार जाता है तो उसको वो दायित्व पे करना पड़ सकता है, वो लायबिलिटी पे करनी पड़ सकती है। तो इस तरह की जो लायबिलिटीज होती है उनको हम कंटिंजेंट लायबिलिटी या संदिग्ध दायित्व कहते हैं। अब बात आती है इसके जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है आर्थिक चिट्ठे का, यानी कि आर्थिक चिट्ठे को बनाते समय संपत्तियों या दायित्वों को हम कैसे लिखेंगे, किस क्रम में लिखेंगे, तो उसको समझ लेते हैं। और इसमें दो क्रम से लिख सकते हैं, एक तो तरलता का क्रम है यानी ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, और दूसरा क्रम है स्थायित्व का क्रम, ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तरलता का क्रम में संपत्तियों को हम सबसे पहले उस संपत्ति को लिखेंगे जिसको सबसे पहले कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में उसको बदल सकते हैं, उसके बाद उस संपत्ति को लिखेंगे उससे अधिक समय में कन्वर्ट की जा सकती है, फिर उसके बाद इसी क्रम से जो संपत्ति उसके बाद अधिक समय लेती जाती है, इस क्रम में इसको हम संपत्तियों को लिखते जाते हैं। अब दायित्वों को कैसे लिखते हैं अगर तरलता के क्रम के अनुसार आर्थिक चिट्ठा बनाया जाए, तो इसमें सबसे पहले हमें जो दायित्व सबसे पहले पे करना है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद किस दायित्व को पे करना है उसे लिखेंगे, और इसी तरह से जो दायित्व बाद में पे करना है उसके बाद इस तरह से जो है दायित्वों को हम लिखते जाएंगे। तो ये बात हुई तरलता के क्रम की। अब स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व के क्रम में हम किस तरह से संपत्तियों को लिखते हैं, सबसे पहले तो हम उस संपत्ति को लिखेंगे स्थायित्व के हिसाब से, अगर बना रहे हैं परमानेंस के हिसाब से बना रहे हैं तो सबसे पहले ऐसी संपत्ति को लिखेंगे जो रोकड़ में परिवर्तित होने में सबसे अधिक समय लेती है, फिर उससे कम समय जो लेती है उसको लिखेंगे, फिर उससे कम जो समय लेती है उसको लिखेंगे, तो इस तरह से हम संपत्तियों को लिखते जाएंगे। अब दायित्वों को किस तरह से लिखेंगे अगर हम स्थायित्व के क्रम के हिसाब से या ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से अगर बनाते हैं, तो दायित्व में हम सबसे पहले उस दायित्व को लिखते हैं जिसका भुगतान सबसे अंत में किया जाना है, फिर उससे पहले जो दायित्व पे करना है उसको हम लिखेंगे, फिर उससे पहले जो करना है उसको लिखेंगे। तो इससे जो है इस तरह से हम दायित्वों और संपत्तियों को क्रम के हिसाब से लिखते जाते हैं। तो ये दोनों क्रम को मैंने आपको समझाया, और अब मैं इसका जो प्रोफार्मा है उसको मैं बोर्ड पर समझा देता हूं। तो बोर्ड पर देखें, वेल स्टूडेंट्स, अब हम लोग आर्थिक चिट्ठे का प्रोफार्मा समझते हैं कि आर्थिक चिट्ठा कैसे बनाया जाता है, किस क्रम में इसको कैसे, कौन सी एसेट्स और कौन सी लायबिलिटीज पहले लिखी जाती है, कौन सी बाद में लिखी जाती है, इसको देखते हैं। तो इसको हम बनाते हैं बैलेंस शीट,
फिक्सिट का भी इसको करते हैं और इसके कॉलम्स पहले बना लेते हैं। कॉलम्स के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी साइड समझ लीजिए, ये टू कॉलम्स इधर हो गए और टू इधर हो गए, तो इसमें क्रेडिट साइड इधर होती है, लेफ्ट साइड में उल्टा होता है इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से, क्रेडिट साइड इधर होती है और डेबिट इधर होती है। हालांकि इनको लिखा नहीं जाता है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। ये कॉलम कहलाता है लायबिलिटीज, LIABILITIES, ये अमाउंट हो गया। अमाउंट को शॉर्ट में AMT लिख सकते हैं। एंड दिस इज एसेट्स, ASSETS, एसेट्स यानी संपत्तियां। लायबिलिटीज दायित्व होते हैं और अमाउंट ये फिर से वही कॉलम है। अब इसको हम अभी जो बना रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ परमानेंस यानी स्थायित्व के क्रम में बना रहे हैं। स्थायित्व के क्रम में अभी मैं इसको नोट कर दे रहा हूं ब्रैकेट में, हालांकि लिखना नहीं है। स्थायित्व के क्रम में, इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो अभी मैं इसके हिसाब से आपको इसका प्रोफार्मा बता देता हूं और जो तरलता का जो क्रम है वो इससे जस्ट अपोजिट होता है, कैसे होता है वो मैं बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले लायबिलिटीज में हम लोग क्या लिखते हैं उसको देखें। हिंदी में भी आप इसको बना सकते हैं आर्थिक चिट्ठे को, लेकिन जो है अधिकतर इंग्लिश में ही बनाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे के क्लासेस में सारा इंग्लिश में ही होता है। कैपिटल सबसे पहले आती है इसमें, स्थायित्व के क्रम के हिसाब से अगर बनाएंगे तो कैपिटल अमाउंट इसका अंदर ही लिखा जाता है। इसमें क्या क्या ऐड करते हैं वो देखें और क्या लेस करते हैं वो देखें। इसमें ऐड सबसे पहले तो इसमें नेट प्रॉफिट जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से आता है उसका जो आंसर आता है उसको यहां पर ऐड करते हैं। नेट प्रॉफिट उसको भी ऐड कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी पूंजी पर जो ब्याज है वो भी यहां लिख दिया जाएगा, उसको ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारी एडजस्टमेंट होती है और इसको अगर करना है तो इसमें ऐड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें लिखा जाएगा, इन दोनों को पहले ऐड कर लेंगे और जो आएगा उसको अंदर ही इसको टोटल को यहां कर लिया जाएगा। अब इसमें से कौन कौन से आइटम्स लेस किए जाते हैं उनको देखें। पहले तो जिस तरह से इसमें नेट प्रॉफिट आया था, इनकेस अगर प्रॉफिट एंड लॉस हमारा नेट लॉस शो कर रहा है तो नेट लॉस को यहां पर लेस कर देंगे। तो एक ही चीज हो सकती है, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। अगर नेट प्रॉफिट ऐड हो चुका है तो इस आइटम को कोई मतलब नहीं है, और अगर नेट लॉस है तो यहाँ पर यह नहीं आएगा। तो नेट लॉस हमारा उसको हम यहाँ इसको लेस कर देंगे अमाउंट को, और फिर जो बचेगा अगर और चीज है, अगर ड्राइंग्स दे रखा हुआ है, आहरण दे रखा है, तो उसको भी हम यहाँ पर लेस कर देंगे ड्राइंग्स, उसको भी हम यहां पर लेस कर देंगे। नेक्स्ट है अगर आहरण पर ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, उसको भी लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
इसको भी यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा। और अब इसमें कुछ भी ये नहीं बचा है, तो इसको हम यहाँ पर अब जो हमारा आएगा वो बजाय यहाँ लिखने के इसको हम बाहर निकाल देंगे, यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट आइटम है संचिति यानी रिजर्व्स। हमने जो भी रिजर्व्स या संचिति क्रिएट किए हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे रिजर्व्स। यहाँ दें इसमें टू और बाई का यूज नहीं होता है जैसा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। ये चीज मैं पहले थ्योरी में बता चुका हूं अभी आपको। अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर हैं, अदत्त व्यय उसको भी यहां लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, EXP शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको। इसका अमाउंट भी बाहर निकाल देंगे। इसके बाद है अनुपार्जित आय अनएक्रूड इनकम, इसको अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। अनएक्रूड इनकम या अनुपार्जित आय हिंदी में कहते हैं। ये एडजस्टमेंट है, समायोजना है, तब जब होगी तभी आएगा। इसके बाद है ऋण यानी लोन, तो लोन आएगा यहां पर ऋण। टू और वाई का यूज ना करें, एक बार से फिर से बता दे रहा हूं। लेनदार यानी ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं, या क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं उनको, क्रेडिटर्स वो भी हमारे यहां पर आएंगे क्योंकि हमारी लायबिलिटी है वो क्रेडिटर्स, ये भी यहां पर आएगा। देय बिल पत्र बिल्स पेबल यानी ये वो बिल है जिनके लिए हमने स्वीकृति प्रदान की है, तो बिल्स पेबल अगर दे रखा है, देय बिल पत्र दे रखा हुआ है तो उसको यहां पर लिख लेंगे बिल्स पेबल, ये आ जाएगा शॉर्ट में। इसको हम BP भी कहते हैं, BP। इसके बाद एक जो लास्ट लायबिलिटी इसमें बची है वो बैंक अधिविकर्ष यानी बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वो हम लिखेंगे यहां पर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, जब हमारा अकाउंट में जितना पैसा होता है बैंक के अकाउंट में उससे अगर हम ज्यादा पैसा ले लेते हैं किसी पेमेंट को करने के लिए, तो वो पैसा जो है जो हमने बैंक से एक उधार के तौर से ले रखा है वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अधिकतर केवल करंट अकाउंट पर ही मिलती है। ये थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन था, मैंने आपको बता दिया क्या चीज होती है। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स यानी संपत्तियां, इसमें हम क्या चीज पहले लिखते हैं क्या बाद में लिखते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे ज्यादा स्थायी क्या चीज है, गुडविल यानी ख्याति। सबसे पहले तो गुडविल आएगी जिसको हिंदी में कहते हैं ख्याति, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद है भूमि एवं भवन। भूमि एवं भवन भी स्थायी प्रकृति की है, अधिक वर्षों तक उसका स्थायित्व रहता है, तो लैंड एंड बिल्डिंग इसको हम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। ये आ जाएगी इसमें मोटर गाड़ी यानी मोटर व्हीकल, ये भी हमारी एसेट्स है, इसको लिख सकते हैं, ये भी लंबे समय के लिए होती है। मोटर व्हीकल BEHICLE, इसको भी, ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट है, इसको हम लिख लेंगे। यंत्र व प्लांट एंड मशीनरी, ये भी प्लांट एंड मशीनरी, ये भी हमारी फिक्स्ड एसेट है, लंबे समय के लिए इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन विनियोग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे एक वर्ष से अधिक अवधि के हैं, ज्यादा लंबे समय के हैं, तो उनको भी हम इसमें लिख सकते हैं विनियोग के नाम से, उसमें आएगा क्वेश्चन में आपके, तो लॉन्ग टर्म लंबे समय वाली इन्वेस्टमेंट।
जो पैसा हमने अधिक वर्षों के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है वो विनियोग के अंतर्गत आएगा। पेटेंट, पेटेंट ये भी एसेट्स हैं हमारी। किया जाएगा फर्नीचर, फर्नीचर भी लंबे समय के लिए यूज होता है, फिक्स्ड एसेट में आता है फर्नीचर। अंतिम रहती है क्लोजिंग स्टॉक, तीनों ही चीजों को हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक। इसमें मैं बता चुका हूं कि रॉ मेटेरियल का भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी हो सकता है, फिनिश स्टॉक का भी हो सकता है। तो तीनों तरह का जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो इसमें आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट है देनदार या डेटर्स, जो हमारी करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स होते हैं, डेटर्स। ये भी करंट एसेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक ये भी करंट एसेट होता है। और इसके बाद है प्राप्य विपत्र, जिस तरह से इधर दिस रिसीवेबल आया था, इधर दिस रिसीवेबल या डीआर आएगा, दिस रिसीवेबल। इसको शॉर्ट में हम बी आर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्वोक्त व्यय यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनको हमने एडवांस में ही पे कर दिया है। जैसे अगर कोई रेंट है, किराया है, उसको हमने अगले साल का अभी दे रखा हुआ है तो वो प्रीपेड रेंट कहलाएगा। तो ये हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को शॉर्ट में लिख दिया, ये आ जाएगा इधर। नेक्स्ट है एक्रूड इनकम या उपार्जित आय, उपार्जित आय वो आय होती है जिसके लिए हमने काम तो कर दिया है लेकिन वो हमें अभी मिली नहीं है, वो आय हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है, तो एक्रूड इनकम उपार्जित आय, ये आ जाएगा एक्रूड इनकम, ये आ गया। और इसके बाद है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, सबसे लास्ट में लिखते हैं कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये आ जाएगा। कैश इन हैंड अगर है तो वो भी आ जाएगा। और ये सारे एसेट्स के भी आइटम ये हो गए और लायबिलिटीज का भी मैंने लिख दिया। और अब इसका जो है नीचे दोनों साइड में टोटल कर लिया जाता है। यहां पर इसका टोटल आ जाएगा और अगर दोनों साइड का टोटल हमारा मैच कर जाता है, दोनों साइड का टोटल एक सा ही आता है, तो इट मींस आवर बैलेंस शीट इज राइट, हमारा जो आर्थिक चिट्ठा है वो सही बना हुआ है, इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर टोटल नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। तो ये तो बैलेंस शीट का जो प्रोफारा मैंने नोट किया वो स्थायित्व के क्रम में या ऑर्डर ऑफ परमानेंस के हिसाब से जो है बताया। अब इसका दूसरा प्रोफार्मा अगर हम तरलता के हिसाब से बनाएंगे, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, तो उसको मैं दोबारा ना लिखते हुए इसी में आपको बता देता हूं, क्योंकि उसमें सेम यही आइटम आएंगे, केवल इसका जो सीक्वेंस है वो बदल जाता है। जैसे अब तरलता के हिसाब से अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा जाएगा, उसके बाद बिल्स पेबल लिखा जाएगा, उसके बाद क्रेडिटर्स लिखा जाएगा, उसके बाद लोन लिखा जाएगा, उसके बाद अनअक्रूड इनकम लिखा जाएगा, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा जाएगा, रिजर्व्स लिखे जाएंगे, और सबसे लास्ट में ये जो कैपिटल वाला पोर्शन है पूरा, जो भी ऐड करना है लेस करना, ये सबसे नीचे आ जाएगा। तो तरलता के हिसाब से अगर बनाएंगे तो ये इस क्रम से लिखा जाएगा। एसेट्स में भी सेम वही है, इसका केवल सीक्वेंस बदल जाता है, आइटम सेम रहेंगे। सबसे पहले हम कैश इन हैंड लिखेंगे, कैश एट बैंक लिखेंगे अगर तरलता के हिसाब से बना रहे हैं, उसके बाद एक्रूड इनकम लिखेंगे, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखेंगे, फिर बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, फिर डेटर्स लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, फिर पेटेंट लिखेंगे, फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, फिर प्लांट एंड मशीनरी लिखेंगे,
फिर मोटर व्हीकल, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर गुडविल, तो सबसे लास्ट में गुडविल आएगी यहाँ पर। ये पूरा क्रम उलट जाता है और इधर का भी वही हो जाता है। तो इसको प्रोफार्मा को, तरलता वाले को मैं दोबारा ना नोट करते हुए, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा, तो इसी के हिसाब से मैंने आपको ओरली बता दिया। तो ये बैलेंस शीट का प्रोफार्मा कंप्लीट हो गया और इससे आगे जो न्यूमेरिकल्स मैं अब जो स्टार्ट कराऊंगा, बैलेंस शीट का न्यूमेरिकल जो होगा, वो तीनों खातों को, तीनों को जो है मिला के, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे उसमें और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो सारी चीजों को न्यूमेरिकल अब मैं जब कराऊंगा तो उसमें पूरा इकट्ठा कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं जो है यहीं पर एंड करते हुए, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, और इसके पहले के जो प्रोफार्मा है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोफार्मा है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हुए हैं, वो सारे आप एक बार पहले के वीडियोस जो मेरे हैं दो तीन, उनको आप जरूर देख लें, जिससे कि आपको पूरा जब प्रोफार्मा क्लियर हो जाएगा तो अब मैं जो इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ें और इन वीडियोस को भी देखते रहें, और अगर आप ये अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इन सारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको भी बताएं इनके बारे में, जिससे वो भी इनका लाभ उठा सकें। थैंक यू।